खबर मिर्जापुर से है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का आगमन विकासखंड पहाड़ी के ग्राम चेंदुल में हुआ। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का ग्राम चेंदुल विकासखंड पहाड़ी जिला मिर्जापुर में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हर विभाग वार मंत्री जी ने समीक्षा किया। पेयजल, बिजली, वृद्धा विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, सड़क, सभी विभागों का लाभ जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, ग्रामीणों से सीधी बात की। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने ग्राम सचिवालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद जिला अस्पताल में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। इस अवसर पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं माननीय मंत्री सुरेश राही जी एवं माननीय विधायक मणिहान रमाशंकर सिंह पटेल एवं विधायक श्री विनोद बिंद एवं विधान परिषद सदस्य श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एवं जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। पढ़ी मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्राउंड लेवल से इनपुट आए आप लोगों के, तो उस तरीके से नीतियां बन रही है क्या? मिर्जापुर मंडल में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आंकने के लिए, देखने के लिए, सत्यापन करने के लिए मंत्री समूह के रूप में हम तीन लोग आए। मान्य दयालु जी हैं, मान्य सुरेश राही जी हैं, हम लोगों ने आज इस गांव में चौपाल की है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक कैसे पहुंचे, इसका प्रयास सरकार का भी है और सरकार इस काम को बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रही है। हमने उस सब विषयों को जांचने का काम किया है। कुछ विषय आए हैं बिजली से संबंधित विषय आए हैं, कुछ पानी की समस्या है, तो आगामी जो हम लोग बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक है हमारी अधिकारियों के साथ पूरे ज़िले की, उस बैठक में इस विषय को हम और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की जो भी लाभार्थी परक योजना है वो नीचे तक पहुँचे, गाँव की बेहतरी के काम करने का जो संकल्प प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का है, देश के प्रधानमंत्री जी का, उसे हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिजली की यहाँ भी समस्या होती है प्रदेश में भी। जी, कब तक सॉल्व हो गई? निश्चित रूप से इसमें कुछ समस्या रही होगी और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासनादेश है उस शासनादेश के अनुसार बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके निर्देश किए हैं। और हम लोग यहाँ समस्या अगर आई है तो उसका समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश में जारी करें। अच्छा, ये जो चौपाल आप कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आप देंगे, तो क्या उसके अनुरूप कोई योजनाएं बनाई जाएंगी सरकार की तरफ से या क्या? नहीं सर, जो भी जितनी देखो जितनी लाभार्थी परक योजना, जितनी योजना है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित हो, स्वयं सहायता समूह से संबंधित हो, या ऐसी लाभार्थी परक योजना है जिसमें डायरेक्ट लोगों को लाभ मिलता है, तो उनकी सबकी हमने समीक्षा की है और समीक्षा में जो जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को सरकार को प्रेषित करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई।